नमस्कार दोस्तों, मैं शुभेंदु सिन्हा सिन्हा आर्टिकल्स में आपका फिर स्वागत करता हूं। आज हम जिस कमेंट पे काम करने वाले हैं वो दो कमेंट है। पहला कमेंट है जो भैया क्वेश्चन था, उन्हें 6 सॉकेट और 6 स्विच चाहिए था, तो 6 सॉकेट हमने ले लिया, 1 2 3 4 5 6। इसके साथ 6 स्विच का डिमांड था तो सबका सॉकेट के साथ ही मैंने लिया कि उससे हम उसे ऑपरेट अच्छा से कर सके। तो हमने यहाँ भी 6 स्विच ले लिया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसके साथ उन्होंने क्वेश्चन किया था, उन्हें 2 फ्यूज चाहिए था, 1 इंडिकेटर। 2 फ्यूज का कोई मतलब नहीं है, तो हमने एक ही फ्यूज का यूज किया, इसके साथ एक इंडिकेटर, ये जो था ये क्वेश्चन में था। इसके साथ एक भैया ने कहा था कि उन्हें एक्सटेंशन बोर्ड में अगर हम वोल्ट मीटर लगाते हैं तो उसका कनेक्शन किस तरीके से करेंगे। तो हम आज बात करेंगे कि इस कनेक्शन के साथ कि अगर वोल्ट मीटर या कनेक्शन को एक्सटेंशन बोर्ड में हम यूज करते हैं तो किस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, जब इस बोर्ड का हम वायरिंग करेंगे तो हमारे पास जो वायर आएगा, ठीक है, इस बोर्ड का वायरिंग में हमारे पास जो वायर आएगा क्या क्या आएगा, पहला तो आएगा फेज, दूसरा आएगा न्यूट्रल, तीसरा आएगा अर्थिंग। तो जो हमारा फेज का वायर, ठीक है, जो फेज का वायर आएगा हमारा, वो कहाँ आएगा, हमारे पास आज फ्यूज है इस बोर्ड में, हमारे पास फ्यूज है, तो जो हमारा फेज का वायर जो इन करेगा, फ्यूज का एक टर्मिनल, यहाँ 2 टर्मिनल है, यहाँ भी मैंने 2 टर्मिनल दिया, तो एक टर्मिनल में क्या होगा, हमारा फेज का वायर इन करेगा, ऊपर वाले टर्मिनल में फेज का वायर हमारा इन कर गया, जो हमारा एल का रहता है, फेज का वायर हमारा फ्यूज के थ्रू, ठीक है, होगा ये हमारा आउट करेगा, ठीक है, ये हमारा जो फेज है इस फ्यूज में इन किया, अभी यहाँ से आउट करेगा, आउट करेगा कहाँ जाएगा, ये आएगा हमारा यहाँ 6 स्विच है, ठीक है। ये सारे सॉकेट को यूज करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, पहला फेज चाहिए, दूसरा न्यूट्रल चाहिए, तो हमारा एक सॉकेट है फेज जाता है, एक में न्यूट्रल, जैसे ये सॉकेट है तो इसमें एक जगह एल एक जगह एन लिखा हुआ, तो जहां पे एक जगह फेज चाहिए वहां फेज जाएगा, एक जगह न्यूट्रल जाएगा, तब जाके हमारा सॉकेट यूज में आएगा। तो हमको क्या करना है, सारे स्विच में निचले टर्मिनल में क्या करना है, हमको फेज का वायर को लेकर जाना, जो हमारे ये फ्यूज के थ्रू आउट करेगा, ठीक है, ये फ्यूज के नीचे टर्मिनल जो आउट करेगा इसको हमको लेके जाना है। इसके साथ साथ हमको कहाँ कहाँ जरूरत है, इसके साथ हमको जरूरत है ये वोल्ट मीटर, अगर वोल्ट मीटर आप लगा रहे तो वोल्ट मीटर में दीजिए, अदरवाइज इसमें कनेक्शन का जरूरत नहीं है तो इसे पास करके आगे निकल सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये वोल्ट मीटर का यूज करेंगे, तो वोल्ट मीटर में देखिएगा 2 टर्मिनल निकला हुआ है, ठीक है, ये 2 टर्मिनल है, तो एक टर्मिनल में इसको फेज चाहिए और एक में न्यूट्रल, सेम जैसे इंडिकेटर में चाहिए, ठीक है। तो इंडिकेटर में भी हमको क्या चाहिए, एक में फेज दूसरा में न्यूट्रल, तब जाके हमारा ये इंडिकेटर यूज में आएगा। तो हमको क्या करना है, ये जो फेज का वायर हम फ्यूज के थ्रू आउट करेंगे, तो एक वायर को हम क्या करेंगे, ये वायर लेके चल जाएंगे हम वोल्ट मीटर में, ठीक है। तो वोल्ट मीटर में फेज मिल गया, इसके साथ हमको क्या चाहिए, अब इंडिकेटर में यहां पे ले जाना है, तो हम यहीं से लूप बनाते हुए क्या करेंगे, ये इंडिकेटर में भी ले जाएंगे। तो इंडिकेटर में जो हमारा फेज का काम था वो कंप्लीट हो गया, वोल्ट मीटर में जो फेज का काम था वो कंप्लीट हो गया, अब हमारा क्या बचा, 6 स्विच, ठीक है, 6 स्विच जो है, ये स्विच के सारे नीचे टर्मिनल में हमारा क्या होगा, फेज का वायर जाएगा। तो स्विच में 2 टर्मिनल है, ठीक है, ये स्विच में 2 टर्मिनल है, ठीक है, तो नीचे वाला टर्मिनल जो है, इसमें नीचे वाला टर्मिनल में हमको फेज लेके जाना। तो हम क्या करेंगे, फ्यूज के थ्रू यहां से एक वायर जिसे इसमें लेके गए थे और एक वायर यहीं से हम आउट करा लेंगे, और ये वायर हम आउट करा के लेके आएंगे सारे स्विच में। तो हमारा एक स्विच यहां पे, सेम यहां से एक लूप बना के यहां ले जाएंगे दूसरा स्विच, और एक यहां पे तीसरा स्विच, तो हमारा 3 स्विच में आ गया। अब हम क्या करना, नीचे भी 3 स्विच में ले जाना फेज का वायर, तो हम क्या करेंगे, सेम यहीं से लूप बना लेंगे या यहां से लूप बना के, आपको जहां सुविधा हो, अगर हम यहां से लूप बना के क्या करते हैं, एक यहां ले जाते हैं, फिर सेम एक यहां से लूप बना के हम ले जाएंगे यहां पे, और एक हमारे यहां पे ले जाएंगे। तो ये जो हमारा 6 स्विच था, 1 2 3 4 5 और ये 6 स्विच का हम क्या हुआ, फेज का वायर हम स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में ले गए हैं। अब हम क्या करना है, हर स्विच से अलग अलग सॉकेट ऑपरेट होगा, ये स्विच से ये सॉकेट ऑपरेट होने वाला, ये स्विच से ये सॉकेट, ये स्विच से ये सॉकेट, सब स्विच के लिए अलग सॉकेट है। तो हमको क्या करना है, स्विच का जो ऊपर वाला टर्मिनल है, ठीक है, ऊपर टर्मिनल हमारा ये हुआ, तो हर सॉकेट में देखिएगा एक जगह एन एक जगह एल इस तरीके से लिखा होता है, ठीक है, एन एल इस तरीके से हर सॉकेट में लिखा हुआ रहेगा। तो जो एन होता है वो न्यूट्रल के लिए होता है, जो एल होता है वो लाइन के लिए होता है। तो हमको क्या करना है, स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल से एल में एक वायर लेके चल जाना है यहाँ पे। तो क्या होगा, जब हम स्विच ऑन करेंगे तो फेज हमारा ये सॉकेट में पहुंच जाएगा। सेम को ये स्विच से ये सॉकेट को ऑपरेट करना है, ये स्विच से ये सॉकेट हमारा चलेगा, तो ये स्विच को ऊपर वाला टर्मिनल से एक वायर यहां लेके चल जाएंगे। ये स्विच से ये सॉकेट को ऑपरेट करना है, तो ये स्विच से ऊपर वाला टर्मिनल से एल में एक वायर लेके चल जाएंगे। सेम यहां भी ऐसे ही करेंगे, ये स्विच से हमारा ये स्विच से ये सॉकेट ऑपरेट होने वाला, तो ये स्विच से एक वायर ऊपर ले जाएंगे, स्विच को ऊपर वाला टर्मिनल सेम एक वायर लेके हम इस सॉकेट में भी आ जाएंगे। तो क्या होगा, ये जो हमारा फेज, ठीक है, जितना भी फेज का काम था वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारा क्या बचा, फेज का तो हमारा टास्क कंप्लीट, अब हमको क्या है, न्यूट्रल का जरूरत है। न्यूट्रल कहाँ कहाँ जरूरत है, तो न्यूट्रल का एक जरूरत हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा, ठीक है, दूसरा जरूरत दे रहा हमको इंडिकेटर में, ठीक है। इसके बाद जितना 6 सॉकेट है, 6 सॉकेट में हमको न्यूट्रल चाहिए, तो हम क्या करेंगे, न्यूट्रल का वायर जो लेक है, ठीक है, ये न्यूट्रल का वायर हुआ, तो ये न्यूट्रल का वायर हम लेके आए। न्यूट्रल का वायर हमको जरूरत कहाँ पे, एक यहाँ पे जरूरत है, एक यहाँ पे जरूरत है, तो हम क्या करेंगे, ये न्यूट्रल का वायर को हम सीधा यहां पे इन करा देते हैं इंडिकेटर में,
ठीक है। अब इंडिकेटर से आउट करा देते हैं हम, क्या करते हैं यहाँ पे आप ये न्यूट्रल का वायर यहाँ पे इन करा सकते हैं, पर कुछ कमेंट में वोल्टमीटर का यूज नहीं होता, इसलिए मैं क्या किया हूँ यहाँ डायरेक्ट ले गया हूँ इंडिकेटर में। यहाँ पे फेज का वायर भी अगर आप वोल्टमीटर यूज नहीं कर रहे तो ये फेज का वायर डायरेक्ट इंडिकेटर में ले जाइएगा, या यहाँ से लूप बना के भी आप इंडिकेटर में ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं इंडिकेटर नहीं, अगर अदरवाइज ये वोल्टमीटर का यूज करने का रहता तो हम क्या करते हैं डायरेक्ट यहाँ भी हम न्यूट्रल दे सकते हैं, तो यहाँ से हम आउट करा के इंडिकेटर में देते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम यहाँ पे फिलहाल पहले इंडिकेटर में दे दिए, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं वोल्टमीटर में ले जा रहे हैं, पहले भी ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हमको कहाँ का अच्छा चाहिए, ये दो जगह तो हमारे न्यूट्रल पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, एक यहाँ पहुंच गया, उसके साथ हमको यहाँ भी छह जगह चाहिए, एक दो तीन चार पांच छह, छह सॉकेट में। तो आप यहाँ से लूप बना के ले जाइए चाहे यहीं से लूप बना के ले जाइए, आपको जहां से सुविधा हो। ठीक है, हम क्या करते हैं यहीं से जो है यहीं से लूप ले लेते हैं, हम यहाँ से क्या करेंगे एक आउट करा के ले आएंगे, सब कुछ यहाँ पे ले आए, किसी तरीके से भी लेके आना आपको। ठीक है, कोई भी टर्मिनल में, यहां से आप इस टर्मिनल में ला सकते हैं, इस टर्मिनल में कहीं भी लेके आइए, न्यूट्रल क्या करना है सारे सॉकेट में आपको पहुंचा देना है, एक यहां से यहां, सेम यहां पे हम एक यहां से लेके जाएंगे, यहां पे एक यहां से लेके जाएंगे हम यहां पे, और एक लेके जाएंगे यहां पे, किसी भी तरीके से आपको क्या करना है हर जगह न्यूट्रल पहुंचा देना। तो हमारे जो न्यूट्रल का वायर आया था, ये जो न्यूट्रल का वायर आया था, न्यूट्रल का वायर के थ्रू हम क्या किए सारे जगह न्यूट्रल पहुंच गया, एक हमारे यहां पहुंच गया पहले, इसके बाद हमारा वोल्टमीटर पहुंच गया, वोल्टमीटर से क्या हुआ इस सॉकेट में आ गया, ये सॉकेट से ये सॉकेट में भी आ गया, फिर यहां से आउट करते हुए ये सॉकेट में आ गया, ये सॉकेट में आ गया, ये सॉकेट में भी आ गया और ये सॉकेट में भी, तो हमारा जो न्यूट्रल काम था वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हमारे के पास क्या बचा, जो तीसरा वायर बचा ये बचा अर्थिन। ठीक है, जो अर्थिन का यूज होता है वो कहां होगा, तो अर्थिन का जो यूज होता है ये हमारा सॉकेट का ऊपर वाला टर्मिनल, ठीक है, जो ये होता है हमको बस इसमें यूज होता है बॉडी अर्थिन का। बॉडी अर्थिन के बारे में अगर वीडियो देखना तो मैं डिस्क्रिप्शन में होगा तो आई बटन में भी दे दूंगा कि अर्थिन का यूज हम क्यों करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं अर्थिन का वायर लेके आते हैं एक ये सॉकेट में, सिर्फ सॉकेट को ऊपर वाला टर्मिनल होता है उसमें यूज करना है, एक यहां पे लेके जाएंगे, सेम यहां से एक लूप बनाते हुए हम क्या करेंगे यहां पे ले आएंगे, यहां से भी एक लूप बनाते हुए यहां पे ले आएंगे, यहां से भी एक लूप बनाते हुए यहां पे ले आएंगे, यहां से लूप बना के इस ये और ये सॉकेट के सारे ऊपर टर्मिनल हम क्या करना है हमको वायर को किसी भी तरीके से लूप बना के पहुंचा देना है। ठीक है, कि बॉडी अर्थिन हमको वहां पे अवेलेबल हो जाए। तो क्या करते हैं ये हो गया हमारा डायग्राम, अब हमको वायरिंग करना है। ठीक है, तो ये जो वायर है इसका हम बाद में यूज करेंगे जो हमारा इन करेगा, अभी क्या करते हैं जैसे फ्यूज के बाद का जो कनेक्शन है इस बोर्ड का जो वायरिंग वो पहले कर लेंगे, उसके बाद हम देखेंगे ये तीन वायर हम इस बोर्ड में लाएंगे, उसके बाद हमारा कनेक्शन सही हुआ कि नहीं हुआ। तो क्या करते हैं पहले फेज का वायर, ठीक है, पहले फेज से काम करते हैं। तो फ्यूज का वायर इन कहां करेगा, फ्यूज को ऊपर टर्मिनल में, आउट कहां से करेगा नीचे टर्मिनल। तो हम क्या करते हैं जैसे अभी डायग्राम में आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, जैसे फ्यूज हमारे यहाँ पे, इंडिकेटर यहाँ पे, अभी हम इसको पलटते हैं तो क्या होगा फेज हमारे यहाँ आ जाएगा, इंडिकेटर यहाँ आ जाएगा। आपको ये चीज ध्यान देकर चलना है, ये जो डायग्राम ये सेम इस तरीके से बनाया हुआ है। तो हम क्या करेंगे फ्यूज का नीचे टर्मिनल से आउट कराएंगे एक वायर, और कहां कहां लेके जाना है एक वायर हम पहले लेके जा रहे हैं वोल्टमीटर में, और उसके बाद हम ले जाएंगे इंडिकेटर में। तो हमें क्या करते हैं वायर ले लेते और इसको एक हमको यहाँ नीचे से इन कराना है, आउट कराना है। तो फ्यूज हमारा ये हुआ, फ्यूज का नीचे टर्मिनल से आउट करा रहे, ठीक है, सेम इस तरीके से। ये हमारे यहां से आउट हुआ, इसके बाद हम कहां ले जा रहे हैं वोल्टमीटर में ले जा रहे हैं, वोल्टमीटर का एक टर्मिनल में, तो वोल्ट के मीटर का एक टर्मिनल में ले गए फेज। ठीक है, इसके बाद हमको कहां पे लेके आना, यहां से ही वायर सेम लेके गए हम इंडिकेटर के नीचे टर्मिनल में। तो एक वायर हम ले आते हैं इंडिकेटर के नीचे टर्मिनल में। तो क्या होगा फेज हमारा एक यहां पहुंच जाएगा, यहां के थ्रू हमारा ये आ जाएगा इंडिकेटर में। ठीक है, अब हम एक वायर और लेके जा रहे हैं जो स्विच के नीचे टर्मिनल में जा रहा। ठीक है, आप यहां से भी लेके जा सकते हैं, वोल्टमीटर से भी लेके जा सकते हैं, स्विच के सारे नीचे टर्मिनल में, आपको किसी तरीके से ले जाए, आपको आपको हैंडल करके लेके चलना है कि किसी भी तरीके से पहुंच जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे फ्यूज का एक वायर ले लेंगे, यहां से एक वायर और लेके जाएंगे स्विच के इस नीचे टर्मिनल में। ये हो गया, यहां से अब आउट करके कहां चल जाएगा, एक हम ले आएंगे ये स्विच के नीचे टर्मिनल में। अब हम क्या करना है स्विच के नीचे जितने भी छह है, ठीक है, एक स्विच, दो स्विच, तीन स्विच, चार स्विच, पांच स्विच, छह स्विच, छह स्विच के नीचे टर्मिनल में हम फेज का वायर लेके आए हैं। ये वायर देखिए स्विच के नीचे टर्मिनल में जो लाल कलर का है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इस टाइप से एक लूप बना लेंगे और उसका कनेक्शन हम कर देते हैं।
किसी भी तरीके से आपको क्या करना है, जो स्विच के सारे नीचे वाले टर्मिनल है इसको फेज का वायर सबको शॉर्ट करा देना है। एक वायर हम नीचे लेके चल जाएंगे सेम यहाँ से, यहाँ पे हमारा फेज का वायर आया, ये स्विच में पहुंच गया फेज, यहाँ से यहाँ पे पहुंच गया, यहाँ से पहुंच गया, अब यहीं से हम लेके जाएंगे ये नीचे वाला टर्मिनल सब में स्विच का। नीचे भी हमारा तीन स्विच है, तीनों स्विच में हम लेके जाएंगे फेज का वायर को। एक हमारा यहाँ पे आ गया, दूसरा हमारा यहाँ पे स्विच है, अब कोई हाई से लेके अभी वायर लेके चल जाएंगे हम यहाँ पे। तो हमारा जो स्विच का सारा नीचे टर्मिनल फेज का वायर शॉर्ट कराना था वो हमने करा दिया। तो ये का जो फेज का हमारा फर्स्ट राउंड का काम था, ठीक है, जो फर्स्ट राउंड का यहां से यहां लेके गए, यहां लाए, यहां लाए, यहां से फिर यहां लाए, यहां लाए और यहां पे लाए, जो ये छह स्विच को शॉर्ट कराना था ये फेज का हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब हमको क्या करना है, सॉकेट में फेज का वायर लेके जाना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल से एक वायर लेके जाते हैं। सपोज ये स्विच से ये सॉकेट को चलाना है, ये स्विच से ये सॉकेट को चलाना है और ये स्विच से ये सॉकेट को चलाना है। तो जो स्विच से जो सॉकेट को आपको यूज करना है, ठीक है, जैसे ये सॉकेट से ये स्विच से ये सॉकेट को यूज करेंगे तो ये स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल से, ऊपर वाला टर्मिनल से एक वायर लेके जाना कहां पे, जहां पे एल लिखा है। सेम हमारे यहां पे ये स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल से एक वायर यहां लेके जहां एल लिखा है। ये स्विच से ये सॉकेट को ऑपरेट करना है तो ये स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल से एक वायर लेके जाना आपको जहां पे एल लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक वायर ले लेते हैं और इस टेक्सिस के कनेक्शन भी इसका भी कर देते हैं। तो ये स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल से हमारा एल कहां पे लिखा हुआ है, एल यहां पे, उसका बगल वाला में क्या करते हैं यहां पे इसको दे देते हैं। सेम इसी तरीके से, ठीक है, हर स्विच में आपको स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल से उसके बगल वाला सॉकेट को शॉर्ट करा देना है। ये स्विच हो गया, ये स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल से ये स्विच से ये सॉकेट ऑपरेट होगा, यानी मतलब ये स्विच से ये सॉकेट चलाना तो ये स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल से, सेम हमारा एल यहां पे है उस तरीके से ले जाएंगे जैसे हर सॉकेट में हम कर रहे हैं। तो ये जो हमारा वायर जा रहा है वो जा रहा है हमारा फेज का, ठीक है। उसके बाद हमको क्या करना है, न्यूट्रल का वायर को भी लेके जाना है। अगर आपको वोल्टमीटर का कनेक्शन नहीं करना है तो वोल्टमीटर का बस यूज मत कीजिएगा, ठीक है, वोल्टमीटर यूज नहीं कीजिए, ना यहाँ पे फेज डालिएगा ना न्यूट्रल डालिएगा, डायरेक्ट से कनेक्शन इंडिकेटर में ले जाइएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया हमारा ये स्विच का, अब ये स्विच से ये सॉकेट को ऑपरेट करना है तो ये स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल से स्विच का एल एल एम है, ठीक है, हर स्विच में आपको ऐसे ही करना है। इससे क्या होता है, जब हमारा फ्यूज के थ्रू वायर रहता है वो फेज जो करंट रहता है वो नीचे टर्मिनल रहता है, जैसे स्विच ऑन करते तो यहां से सप्लाई करते हुए ये वायर के थ्रू ये सारे सॉकेट में फेज पहुंच जाता है, ठीक है, इस कारण हम ऊपर टर्मिनल से इसका यूज कर रहे हैं। तो ये हमारा फेज का जो काम था वो कंप्लीट हो गया। अब हम क्या बचा, न्यूट्रल बॉडी अर्थिन। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, न्यूट्रल का काम कर लेते हैं। तो न्यूट्रल कहां पे इन करा रहे, इंडिकेटर में इन करा रहे, न्यूट्रल में इन करा रहे इंडिकेटर में। हमारे जो न्यूट्रल का वायर आया हम यहां भी इन करा सकते थे पर मैंने क्या किया, इंडिकेटर में इन कराया। तो हम क्या करेंगे, एक इंडिकेटर में इन करा रहे। तो अब इंडिकेटर से हमारा आउट कहां कर रहा, इंडिकेटर से आउट कर रहा हमारा वोल्टमीटर में। तो हम क्या करेंगे, एक वायर ले लेंगे,
और ये इंडिकेटर आउट कराएंगे। ये हो गया वोल्ट मीटर में। अब वोल्ट मीटर से एक वायर लेके जा रहे हैं हम निचले टर्मिनल में जो न्यूट्रल चाबी, ठीक है, तो उसके लिए एक वायर ले लेंगे और उसके अभी हम साथ में कनेक्शन करते चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहां से हमारा न्यूट्रल निकल गया, अब यहां से क्या हो रहा है हमारे सारे सॉकेट में जा रहा है ये जो वायर है, ये हम क्या किए नीचे का सारे एंड वाला टर्मिनल इसमें ले जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हमारा न्यूट्रल यहां पे दिखाई दे रहा बगल में, यहां पे डायग्राम के थ्रू यहां पे दिए हम यहां पे दे देते हैं, ठीक है, हम न्यूट्रल यहां पे दे दिए। अब यहां से क्या होगा, यहां से एक वायर हमको लेके जाना है इस न्यूट्रल में, सेम इस न्यूट्रल में, फिर इस न्यूट्रल में, नीचे का जितना न्यूट्रल है सब में हमको लेके जाना है। तो इसके लिए हम वायर का लूप ले लेंगे और उसका भी कनेक्शन करते चलते हैं। न्यूट्रल हमारा इंड यहाँ पे इन करेगा, यहां से आउट करते हुए हमारा वोल्ट मीटर में या वोल्ट मीटर से ये सॉकेट में आया, ये सॉकेट से अब हम धीरे धीरे इसको बढ़ा दे रहे हैं। अब हमारा निचला सॉकेट बचा, निचले सॉकेट में भी देखते हैं। तो हमारा न्यूट्रल काम कंप्लीट, ठीक है। अब हमारा क्या बचा, बस बॉडी अर्थिंग का वायर। न्यूट्रल कहां कहां जहां जहां जरूरत था, न्यूट्रल का जरूरत हमको एक यहां पे था, दूसरा यहां पे, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ठीक है, छह जगह हमने दे दी, आठवां जगह दे दिया, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा न्यूट्रल काम कंप्लीट हो गया। अब हमारा बच्चा अर्थिंग का, अर्थिंग का जरूरत हमें क्या है, स्विच का ऊपर लाया, सॉकेट को ऊपर लाया टर्मिनल में, तो हमको छह सॉकेट को ऊपर में आपस में शॉर्ट कराना है, ठीक है। इसके लिए भी मैंने लूप ले लेंगे हैं और इसका कनेक्शन करते चल लेंगे। ये हमारा अर्थिंग का, अब हमको क्या काम बचा क्या, अब हम क्या करेंगे, जो ये तीन वायर, ठीक है, फेज न्यूट्रल और अर्थिंग का वायर आया है, इस बोर्ड में लाएंगे और इसको हम चेक करके देखेंगे कि हमारा जो कनेक्शन है वो सही हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। बोर्ड वायरिंग तो हम लोग कर लिए, उसको देखना भी तो होगा सही है कि नहीं। उसके लिए हम क्या करते हैं, तीन वायर लाना होगा हमको, एक फेज न्यूट्रल और बॉडी अर्थिंग। तो हम क्या करते हैं, एक वायर ले लेते हैं, ठीक है। तो एक लाल कलर का जो वायर होगा वो हमारा फेज के लिए हो जाएगा, ब्लैक कलर वायर जो होगा हमारा न्यूट्रल के लिए, और जो ग्रीन कलर का वायर है ये हमारा अर्थिंग के लिए हो जाएगा। तो हमारा जो फेज का वायर कहाँ इन करा रहे, फेज का वायर हम इन करा रहे फ्यूज का ऊपर वाला टर्मिनल में। तो क्या करते हैं, फेज का वायर के लिए हम लाल कलर का वायर यूज कर रहे हैं, तो हम इसको यहां पिन करा देते हैं। ये हो गया हमारा फ्यूज का वायर, फ्यूज में हमारा इन कर गया। अब जो न्यूट्रल का वायर है, न्यूट्रल का वायर हम कहां इन करा रहे हैं, न्यूट्रल का वायर हम लेके आए हैं कहां पे, इंडिकेटर में। तो हमारा इंडिकेटर यहां पे है, ठीक है, आपको ये ध्यान देना, इंडिकेटर जहां पे वहीं पे देना। तो इंडिकेटर हमारा यहां पे, हम क्या करते हैं, इंडिकेटर में यहां पिन करा देते हैं। ये हो गया हमारा यहां तक का काम कंप्लीट। अब हमारा बचा बस बॉडी अर्थिंग का कनेक्शन। ये हो गया हमारा न्यूट्रल का काम एंड हमको चाहिए बॉडी अर्थिंग। तो बॉडी अर्थिंग कहां पे देंगे, जहां पे हमारा ये सॉकेट है ग्रीन वाला जो कलर गया हुआ सॉकेट के ऊपर टर्मिनल, कहीं भी हम इन करा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहां पे इन करा देते हैं। यहां पे हमारे पास सिंगल वायर दिखाई दे रहा, हम क्या करते हैं यहां पे इन करा देते। तो बॉडी अर्थिंग हमारा ये जितना सॉकेट है ये सारे सॉकेट में ये वायर के थ्रू पहुंच जाएगा।
तो ये हो गया हमारा बोर्ड कंप्लीट। अब हम क्या करते हैं, इसको चेक करके देखते हैं कि हमारा जो कनेक्शन है वो सही हुआ है कि नहीं हुआ है। इसका कनेक्शन दे दिया, जैसे हम इसका स्विच ऑन करते हैं तो हमारा इंडिकेटर जलने लगा, साथ में हमारा वोल्ट मीटर भी है जो दिखाने लग गया करीब हमारा जो 230 वोल्ट करीब आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं ये सारे सॉकेट को चेक कर लेते हैं कि हमारा जो कनेक्शन है वो सही है कि नहीं। ठीक है, तो पहले हम सबको ऑफ कर लेते हैं और इस होल्डर के थ्रू चेक कर लेते हैं। तो ये सही है, एक सही है तो बाकी सारा सॉकेट भी सही होना चाहिए। तो इस तरीके से इसका कनेक्शन कर सकते हैं आप। चलिए, धन्यवाद।